हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आज पत्ता तोड़ने आए हैं खस्सी के लिए। ये देख रहे हैं, ये जो पीछे बरगद का पेड़ है, इस पेड़ का पत्ता तोड़ेंगे। हालांकि बहुत ऊपर है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पत्ता तोड़ सकें, क्योंकि गर्मी भी दे रहा है, यहाँ पे छाव है। अब पीछे भैया हैं, भैया ये पत्ता तोड़ेंगे। डाली टूट रहा है, ये देखिए, ये डाली टूट गया है। पीछे पहाड़ है, कोल माइंस का किया क्या, कोयला कहीं और ट्रांसपोर्ट कर गया यार यहाँ पे, उससे पत्थर का पहाड़ है। ये देखिए पीछे बहुत बड़ा डिपो बन गया है। ये दूसरा डाली भी टूट गया, बहुत मेहनत लग रहा है। देखिए यहाँ पे दूर में पानी टंकी है, बगल में और एक पानी टंकी बन रहा है, जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए है ना, देखिए यहाँ पे कितना धूप है। हरा भरा जगह, अभी तो यहाँ साफ सुथरा है क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं है, कंपनी का कोई भी गाड़ी उड़ी, यहाँ पत्थर उत्थर नहीं फेंका जा रहा है। ये तो पहले तो यहाँ पर देख रहे पीछे का पहाड़ पूरा पत्ता होता पूरा भर जाता था पेड़ डस्ट से। पेड़ देखते हैं बेर है कि नहीं। बेर तो है, ये देखिए दिख रहा है, छोटा छोटा बेर है, पका नहीं, अभी कच्चा है, पकने में शायद अभी कभी अभी समय है। दिख रहा है
पत्ते तोड़ा गए हैं, खस्सी पालना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और हम चल दिए घर की ओर, पत्ते तोड़ा गए। सामने मंदिर है भोले बाबा भोलेनाथ शिव शंकर जी का। यथा चलो नीट सीएसआई कैंप तो भाई ये दीजिए। कितने तारीख को गोटा शिवरात्रि? ये देखो सूरज ग्रहण है। हम रास्ते में चल रहे हैं, बहुत सारा धूप है, गर्मी दे रहा है, चलते जा रहे हैं। घर पहुंचने में समय है, खस्सी पालना इतना आसान नहीं है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही हार्ड वर्क है, दिन भर खाते रहता है, इसलिए इतने सारे पत्ते तोड़ के ले गए बाइक से। अभी गर्मी में देखिए क्या हाल होगा, अभी तो पत्ते भी मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आएगा वैसे वैसे पत्ते झड़ते जाएंगे, फिर नया पत्ते आने में वक्त लगेगा, तो चारा वगैरह खिलाना पड़ेगा, कूटी वगैरह। चलिए मिलते हैं घर में। पहाड़ पत्थरों का, कोयला नहीं है, कोयला खत्म हो चुका है, बहुत पुराना पहाड़, आग लग चुका है इस पहाड़ में। सबसे पहले कंपनी यहीं आया तो अपन का कोयला निकाल चुका है, पत्थर यहाँ पर डाल के फिर आग लग गया पूरा पहाड़ में, पीछे साइड पूरा आग है। दुबारा खा पाने कम पात्र जितना कम देवी और उतना खा। अब फेल गए होने ज्यादा पात दिए थे ताजे को कम फेल दे सर। अब वो खेल लो, अगर डुबा जाए सर तो पात दिला दे ना, जंगे फेल दे सर, रोहन जी भी डुबेंगे और सब मामला राजा खाएंगे। वो लोग लगता है सिंह का तब बड़ा बड़ा सिंह है।